तो भोपाल सीएम हाउस में आयोजित रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंचों ने सीएम मोहन यादव को विशाल राखी भेंट की और सीएम को राखी बांधी। सीएम हाउस से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है सीएम हाउस में, जहां पर आप देखें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बहनें राखी बांधते हुए। दरअसल मध्य प्रदेश की सभी महिला पंचायत की जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, वो राजधानी भोपाल पहुंची हैं, सीएम हाउस पहुंची हैं और मुख्यमंत्री के साथ राखी बांधा रही हैं। और आप देखें कि महिला सरपंच मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए इस सम्मेलन की, इस कार्यक्रम की बात करें तो एक अलग तस्वीर है। मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र में महिला सरपंच बनी लक्षिका इस समय हमारे साथ मौजूद है। महज 21 साल की उम्र में वो सरपंच बनी थी और इस समय सीएम हाउस में मौजूद है। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं हैं, सरपंच हैं और मुख्यमंत्री को राखी के त्यौहार राखी बांध रही हैं। हालांकि राखी का जो त्यौहार है आने में अभी समय है, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, सभी महिलाएं सरपंच आई हैं और ये हमें सभी से बात कर अच्छा लग रहा है। मैंने अपने स्टेज पर अपने अनुभव को साझा करा, उसे मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री के सामने अपने अनुभव साझा कर रही हूँ। साथ में रक्षाबंधन का प्रोग्राम है जो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। 40 फीट की राखी बांधी गई है मुख्यमंत्री जी को और सभी सभी को उपहार भी दिए गए हैं तोहफे में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उपहार मिला है, क्या मिला है आपको? हाँ जी, हमें साड़ी मिला है, उसमें सभी सिंदूर मतलब एक सुहागन का जो रहता है पूरा वो मिला है हम लोगों को। तो मुख्यमंत्री ने आपको यहाँ पर बुलाया, महिला सभी सरपंचों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, राखी बांधी और उपहार भी मिला, आपकी ओर से मुख्यमंत्री को क्या दिया गया? मुख्यमंत्री को हमारा बस यही कि हम इस गांव हमारे गांव का विकास करेंगे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी उससे ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप देखें कि इस समय एक अलग तस्वीर समय देखने को मिल रही है। एक बार फिर हम तस्वीरों में देखें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सभी महिला सरपंच हैं राखी बांधते हुए और हर पंचायत से जो सरपंच हैं राजधानी भोपाल में पहुंची हैं। अभी कल की बात करें, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं स्टेट स्तर के, राज्य स्तरीय कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे, 15 अगस्त तक कार्यक्रम जारी रहेंगे और कल जो कार्यक्रम है वो श्योपुर की विजयपुर विधानसभा में होने जा रहा है। इसके साथ ही कल मध्य प्रदेश की 25,000 पंचायतों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।